पूर्व पक्ष अब कहता है यदि निषेध वाक्यों को निषेध्य का समर्पण करने के लिए वाक्यांतर की अपेक्षा रह जाएगा सर्वत्र, फिर तो कलंजम भक्षेत ये भी निषेध वाक्य, फिर कलंजम भक्षेत ऐसे अलग वाक्य अपेक्षा हो जाएगा निषेध्य समर्पक, आपत्ति दे रहा है। निषेध वाक्य से न निषेध समर्प वाक्यांतर अपेक्षा, निषेध वाक्यों को निषेध का समर्पक वाक्यांतर अपेक्षा वास्तव में नहीं होना चाहिए, अन्यथा यदि होना चाहिए कह कर आप कहोगे जैसे नहीं कहा नया नानस किंचन के लिए निषेध के समर्पक विश्वम सत्यम हो जाएगा, कभी ये आप नहीं कह सकते। यदि ऐसे कहने लगो अन्यथा न कलंजम भक्षेद इत्यादि निषेध समर्पणार्थम कलंजम भक्षेद इत्यादि वाक्यांतर सापेक्षत प्रसंग हो, न कलंजम भक्षेत में भी कलंज जो है आपका निषेध है उसके समर्पक पहले से कोई दूसरे विधि वाक से प्राप्त है नहीं, इसलिए आप प्राप्त का कैसे आप निषेध करोगे, से प्राप्ति दिखाने के लिए आपको कहना पड़ेगा कलंजम भक्षेत विधि वाक की कल्पना करो, उसके इसलिए प्रसिद्ध किया विषम सत्यम है और उसके विरुद्ध आपने नया रास्ते कटाना चाह रहे हैं निषेध समर्पक उसको स्वीकार कर रहे हैं, सर यह भी करना पड़ जाएगा न, ये कोई सर्वत्र नियम नहीं है, निषेध का समर्पक वाक्यांतर की अपेक्षा होना सर्वत्र नहीं है, सर्वत्र अपेक्षा नियम अभाव, सर्वत्र अपेक्षा का नियम हम नहीं मानते हैं, सर्वत्र अपेक्षा नियमाभाव सति संभव है प्रकृति त्याग योगात, और जहाँ संभव है अब प्रकृति का त्यागना उचित नहीं होता है, जहाँ है विद्यमान है उसको त्याग नहीं सकते, जहाँ नहीं है वहाँ कल्पना भी नहीं करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ उसी वाक्य में विद्यमान वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। ये तो उसने कहा था नया नानस्ति किंचन और किंचन से ही निषेध समर्पण हो जाएगा वाक्यस्थ से, इसलिए जान के इन्होंने कहा कि जहाँ पर है वहाँ पर हम उसी वाक्यस्थ के शब्द के द्वारा निषेध समर्पण नहीं करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ उस प्रकार से कर लिया जाएगा। यदि कहते जहाँ है वहाँ पर हम त्याग नहीं कर सकते, जैसे अतरात्रे छोटेषण गृह्णाति फिर आया नात्रात्रे छोटेषण गृह्णाति, दोनों ही मैत्री संहिता 406 का वाक्य है, यह अतरात्र संस्थाक जो ज्योतिष्टोम याग है उस षोडशसंचक पात्र को ग्रहण करना चाहिए, एक मंत्र ने कहा दूसरे का नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो इस निषेध वाक्य के द्वारा षोडश ग्रहण का निषेध समर्पण पूर्व वाक्य से हो रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर विषम सत्यम इस वाक्य से प्राप्त प्रबंध सत्यत्व का निषेध नया नानस किंचन से हो जाएगा ऐसा सिद्धांति ने कहा। तब पूर्व पक्ष कहेगा कि ऐसा मानोगे तो गड़बड़ होगा, यदि वाक्यांतर प्राप्त से निषेध दर्शनाच, तब पूर्व पक्ष वाद विकल्प है, यहाँ भी विकल्प हो जाएगा, सत्य भी है नहीं भी है, ग्रहण भी कर सकते हैं नहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ विकल्प है, न चेत तद्वत विकल्प आपत्ति, वहाँ के समान यहाँ भी विकल्प की आपत्ति आप नहीं दे सकते, सिद्धांत ने कहा नहीं दे सकते, क्यों वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, वहाँ भी प्राप्त है निषेध वाक्य और निषेध वाक्य है, इसे यहाँ प्राप्त है निषेध वाक्य और निषेध वाक्य है, तो यहाँ पर भी विकल्प बनना चाहिए। कहते यहाँ सिद्ध वस्तु का मामला है वहाँ क्रिया का मामला है, सिद्ध वस्तु नहीं विकल्प योगात, सिद्ध वस्तु के विषय में विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा ये नहीं हो सकता है, सिद्ध वस्तु नहीं विकल्प योगात। दूसरा बात यह भी है षोडश ग्रहण अग्रहण वाक्य और उभयोरपि मानांतर अप्राप्त विषयत्व, षोडश ग्रहण करना चाहिए षोडश ग्रहण नहीं करना चाहिए दोनों ही मानांतर से अप्राप्त है, यहाँ पर विषम सत्यम मानांतर प्राप्त है और दोनों समान बल वाले हो गए क्योंकि दोनों प्रमाण अन्य प्रमाण से प्राप्त है नहीं, किसी प्रमाण से जान थोड़े सकते आप किस याग में कौन सा बर्तन ग्रहण करना कौन सा बर्तन नहीं ग्रहण करना, प्रत्यक्ष अनुमान आदि तो इस विषय प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो अपूर्व का मामला है, अच्छा इसमें तो वेद ही बता सकता कोई दूसरा नहीं बता सकता, तो दोनों वाक्य क्या हो गए मानांतर अप्राप्त, अतः अपूर्व वाक्य हो गए दोनों के दोनों समान बल वाले इसे हम विकल्प कर लेंगे, यहाँ तो ऐसा नहीं है, मानांतर अप्राप्त विषयत्व न तुल्य बलत्वाद यह सत्व श्रुते मानांतर प्राप्त विषयत्व न निषेध श्रुते अप्राप्त विषयत्व न तुल्य बलत्व भावाच, और यह वर्तमान स्थल में विषम सत्यम क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त का अनुवाद है और नया नानस्ति किंचन अपूर्व कथन है
अप्राप्त भी प्राण प्रमाण प्रमाणांतर से अतव ये ज़्यादा ज्ञान आने से बलवान हो जाता है अनुवाद की अपेक्षा से पूर्व कथन करने से, इसके अंदर उसका बाद ही होगा, वहाँ पर इसलिए विकल्प प्रश्न नहीं उठता है। अतएव निषेध वाक्य प्राबल्यात तद अनुरोधेन इतरन्नियते से निषेध वाक्य प्रबल हो गया, उसी के अनुसार जो है आपको विषम सत्व इत्यादि वाक्यों को घटाना होगा, नयन करना होगा, अन्वय करना होगा, अर्थात उसके मिथ्यात्व को स्वीकार करना होगा। नहीं तो समस्या वहाँ भी होगा ना, इदम रजतम पहले ज्ञान हुआ, फिर नेदम रजतम में उसी रजत के बोल रहे हैं ना, नेदम रजतम क्या है, प्राप्त है ना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, अपूर्व विधि नहीं है, अपूर्व कथन नहीं हो रहा है, नेदम रजतम अपूर्व कथन है। नहीं तो वहाँ पर भी कहेंगे दोनों में विकल्प हो जाएगा, शुक्ति रजतम भवितुमर्हति न भवितुमर्हति, दोनों हो सकता है, शुक्ति रजत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहाँ विकल्प खड़ा हो जाएगा। एक इदम रजतम पहले हुआ, बाद में इदम रजतम हुआ, शोरसात गृह्णाति न गृह्णाति, रजतम अस्ति रजतम नास्ति, दोनों कहाँ देख रहे हैं हम, शुक्ति में, फिर वहाँ विकल्प हो जाए। लेकिन रजत क्या है, क्रिया नहीं है, वस्तु है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है, ये शुक्ति रजत भी है और नहीं भी है ये नहीं बोल सकते, या तो रजत है या तो रजत नहीं है, दो में एक होगा, सिद्ध वस्तु के विषय में विकल्प नहीं हो सकता, एक में बाध्य बाधक भाव मानना ही पड़ जाए, फिर दो विरोधी वाक्य आ जाता है सिद्ध वस्तु में, तो वहाँ बाध्य बाधक भाव मानना पड़ेगा, बाध्य बाधक मान में एक हम यही देखेंगे कौन वास्तव में अनुवाद्य है, कौन अपूर्व कथन कर रहा है, ब्रह्मस्थल में यही विचार हुआ तो इदम रजतम हिसाब को मानना पड़े ब्रह्मस्थल है कि विसंवाद प्रवृत्ति हुई है, अतः निदम रजतम आप बोल रहे हो तो निदम रजतम प्रबल हो जाएगा, इदम रजतम बाधित हो जाएगा, अतः रजत मिथ्या होगा वह विकल्प नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्ध वस्तु वाक्य होने के नाते जो विश्व विषय है जगत क्या है, सिद्ध वस्तु है, कोई क्रिया है ही नहीं, क्रियात्मक नहीं वस्तु ये चीज़, इसे अभी विकल्प नहीं हो सकता, ये इनका कहने का अभिप्राय। अतः अप्राप्तान्य प्राप्त्यर्थत्व अभी अलौकिकस्य आपश्च न प्रमिणंती इत्यादि पदार्थ संसर्ग से निषेध विधेय से सत्वात् न निषेध्यार्थ अनुवादकत्व इति चिन्ह। फिर यदि विश्वम सत्य में मंत्र भाग यदि प्रमाणांतर से प्राप्त का प्रापक या अनुवादक आप जो कह रहे माना जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अनुवाद व्यर्थ नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, अलौकिकस्य कि अलौकिक कुछ कथन कर रहा है, यदि अप्राप्त अन्य प्राप्त्यर्थत्व भी अप्राप्त अन्य की प्राप्ति करा रहा है, क्या अन्य प्राप्ति करा रहा है, अप्राप्त क्या था विश्व में सत्यत्व, उसे अप्राप्त को प्राप्त करा दिया, यह अलौकिक बात है कि जगत के सत्यत्व जो सत्वरूपेण यानी वो भी आपने क्या कहा था, घट सामान अधिकरण्य नहीं ज्ञाते है, ब्रह्म सामान अधिकरण्य न ज्ञात नहीं है, इसलिए अपूर्व कथन वाक्य नहीं होगा विश्वम सत्यम, तो विश्वत्व ना सत्यत्व का ज्ञान नहीं है ना, घटत्व न ज्ञान है, और विश्व घटा सारा प्रपंच आ रहा है वह अज्ञात रहेगा अप्राप्त, ये उनका कहना है, क्योंकि वह जो इस मंत्र भाग के अनंतर आयोजन आपश्च न प्रमिणंती, आपश्च न प्रमिणंती, ये जो वाक्य शेष था ये आपको पृष्ठ 231 जहाँ शुरुआत है शास्त्रार्थ वहाँ पर बोला है, पूरा वाक्यों को दिया था ना नीचे, पूरे वाक्यों को मूल कारण ली थी पूरी, विश्वम सत्यम भगवाना योरिदम आपश्च न प्रमिणंती व्रतम वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नो अन्नम युजे वा जना जिगातम, ये पूरा मंत्र था ना 31 में 231 में अंतिम दो पंक्ति 231 में, फिर दूसरे मंत्र भी आगे दिए थे है कि नहीं, उसका अर्थ व्याख्या करने के बाद शाक बना शाको अरुण सुपर्ण आयोम शोर सनादनील यच्छिकेत सत्यमिंदन न मोघम वसुस्पाह्रम उत जेतो तदाता, दो मंत्र आए थे ना 31 में 33 में, वहाँ पर विषम सत्य में आगे उत्तरार्ध में उत्तर में भाग में क्या था, युवयोर इत आपश्च न प्रविनंती, और अंत में वहाँ इंद्रा ब्राह्मणस्पति, इंद्र और ब्राह्मणस्पति का हम लोगों ने स्तुत्यर्थ घटाया था, वो कहता है वो आपश्च न प्रविनंती है ना, उसी से इस प्रकार इंद्र के व्रत आप ये कहेंगे हे इंद्र आपके व्रत के कारण से ये जो जगत नष्ट नहीं हो रहा है, नित्य शाश्वत पारमार्थिक हो गया, विश्व सत्यम को
उस तरह पूर्व पक्ष घटाता है। हे इंद्र, आपका जो व्रत है, इस व्रत के कारण से ये जगत पारमार्थिक सत्य वाला हो गया, अविनाशी हो गया, ऐसा लेना चाहता है, इसलिए अप्राप्त का प्राप्ति करा रहा। अन्य पदार्थ आ गए यहाँ पर, ये कैसे आपश्च न प्रमिनंती इत्यादि पदार्थ संसर्ग से विधेय से सत्वात्। इंद्रिय व्रत है अहिंसा रूपा, उससे ये अज्ञात पदार्थ है। इंद्र का व्रत अहिंसन आदि व्रत पालन कर रहा है पूर्व जन्म से ही, पूर्व कल्प से ही, तभी वो पद मिला है उसको, उस व्रत का ही फलस्वरूप है। ये अप्राप्त है ना, इंद्र ने ऐसा व्रत किया था, ये कहाँ से प्राप्त है हमको? इस अप्राप्त अन्य पदार्थ हो गया उसके व्रत विशेष, उस अप्राप्त अन्य पदार्थ की प्राप्ति करा दिया, ये अलौकिक कथन हो गया। उस अलौकिक कथन को पुष्ट करना, आपश्चन न प्रमिनंती, जल से उपलब्ध सारे भूत वगैरह क्या है, नाश नहीं होते, इनकी हिंसा नहीं होती, मैंने इनका नाश नहीं होता। इस प्रकार से सत्वाद न निषिद्ध्यार्थनवाद कत्तम, इसे विश्वम सत्यम निषेध्य नेह नाश के लिए आवश्यक भूत निषेध का अर्थ का समर्पक वाक्य नहीं माना जा सकता। इस वाक्य का तो उसी वाक्य शेष में अन्वय हो रहा है, तो उसको लागू परिषद में क्यों लाऊंगा, अन्वय करूँगा इतना दूर, तो उसी वाक्य में ही उसका अन्वय होकर के अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम क्यों दूसरी जगह ले जाए अर्थान्वय करने, ये पूर्व पक्ष कहना है। तब सिद्धांत चिन्ह ऐसे मत कहो, तद अन्य परत्व से प्रागेव उक्तत्वात्, वो अन्य परक है, यह बात हम पूर्व में ही कह चुके हैं, स्तुति परक वही 231-32 में हमने निश्चय कर दिया था कि जो है वो स्तुति परक है भाई, कि विधेय अंश का प्रतिपादक न होने के कारण, विधेय अंश का वो प्रतिपादक नहीं है, किंतु विधेय अंश का स्तुति परक है, ये मानना चाहिए। इसलिए अगत्य क्या करना पड़ेगा, विषम सत्यम को अनुवाद मान के निषेध समर्पक मानना पड़ेगा, केवल अनुवाद मानने से काम चलेगा नहीं। तब पूर्व पक्ष कहता है अनुवाद मानने के लिए लिंग है, नहीं है कोई वाक्य को अनुवाद मान लो, वहाँ यह तदादि शब्द होना चाहिए कुछ न कुछ, ऐसा कोई शब्द ना होने से इसको हम अनुवाद नहीं मान सकते। यत्तन्न इति निषेध अनुवाद लिंग अभावात् नानुवाद, बोलना चाहिए याति अग्ने अयाश या तनुः, जैसे दृष्टांत उसके पास है तैत्र संहिता का 1.2.11, अनुवाद के चिन्ह रूपवा यत् शब्द का रूप बनाया है, या ये इस प्रकार से पदों का प्रयोग हो, वैसे ही बाद में उसका निषेध परक हो, ऐसा होता तन्न, इस प्रकार से होता तब तुम अनुवाद वाक्य मानते, वो निषेध का समर्पक है, जो ऐसा है वो वैसा नहीं है, ऐसे जो निषेध वाक्य हुआ उसके लिए निषेध का ये समर्पक बन जाता। ऐसे यद विश्वम सत्यम तन्नेह नानास्ति किंचन, ऐसा कहाँ है संबंध जोड़ रहे हो आप, यदि चेत न, इसलिए अभावात नानुवाद, इसको हम अनुवाद मानेंगे ही नहीं। अब तक अनुवाद मान के बड़ा इधर उधर घटाने कोशिश किया और कहते अनुवाद वाक्य ही नहीं, जे न यत्किंचित लिंगाभावेन लैंगिक अभाव से वक्तुम अशक्यत्वात्, यत्किंचित लिंग का अभाव होने मात्र से उस लैंगिक का भी अभाव का कथन आप नहीं कर सकते। जैसा योग गोलक में धूम रूपी लिंग नहीं है, क्या उसमें अग्नि नहीं है, धूम लिंग नहीं है तो उसमें अग्नि नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता तब तो योग गोलक में। अजी यत्किंचित लिंग के अभाव, कि लिंग तो एक थोड़ा होता है, कोई भी कार्य के लिए अनेकों लिंग जरूरत पड़ता है, नया कार्य समवायी है असमवायी है, निमित्त कारण है करण है, निमित्त कारण भी एक नहीं होता अनेकों होते हैं, सब मिल करके एक कार्य पैदा करता है, यही नियम है। इसे एक लिंग का ना हो यत्तद का कोई लिंग ही नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकते, इतने वर्ष लिंगाभाव का वर्णन नहीं कर सकते। अतः तद्वारा लैंगिक का भी अभाव नहीं बोल सकते, क्योंकि वाक्यांतर संविहार ये भी एक लिंग है। अनुवाद के प्रति भले जैसे आयव पिंड में तो दोष ही है, लिंग का ना आने पर भी लैंगिक वा विद्यमान है, ठीक है ना। इधर से कहते यत्तद के बिना भी वाक्यांतर संविहार हो जाना उसके विरुद्ध में कहीं भी, उसको भी हम क्या कहते हैं, अनुवादकत्व का लिंग मान लिया। तो ये जो वाक्य बोल रहा है इस वाक्य के विरुद्ध में दूसरे वाक्यांतर का पाठ हुआ है, संविहार में उच्चारण हुआ है, पाठ हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं कि वहीं आगे पीछे होना चाहिए, उसी वाक्य शेष में होना चाहिए, ये कोई नियम ना, हमारे तत्व समन्वय आते
ब्रह्म के साथ संपादन करने के लिए पूरा वेद का चाहे का कहीं भी जोड़ करके पूरा सिद्ध ही करना है, पूरा वेद के अंदर के ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है। इसे हम कर्मकांड के वाक्य का मंत्र ले लूँगा, अर्थवाद को ले लूँगा, वह वेदांत में घटा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए उपनिषद जो है ये नहीं वेद के अंत में ही है, हर जगह कई जगह शाखाओं का बीच में भी है, अंत में है नहीं। इसलिए ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं तो तुम या विषम सत्यम ये कर्मकांड वाक्य उपनिषद में कैसे ले जा रहे हो, हमारे पूरा वेद एक है, तत्व समान या तत्व समान व्यात हमारा सिद्धांत है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्वय कर लेंगे। वाक्यांत संविहार रूप हमारे पास लिंग है, पूछेगा ना कौन सा लिंग है आपके पास, यदि वाक्यांतर संविहार रूप हमारे पास लिंग है, वाक्यांतर कौन है, ज्ञाना नास्ति किंचन, उस लिंग के अनुमय बना दूंगा, ये सिद्धांत का कहना है। अतः अनुवाद का मानना पड़ेगा, जिस वाक्य की प्रतिपाद्य वस्तु प्रमाणांतर से अवधृत है हम उसी को अनुवाद कहते हैं, पश्चातवाद इति अनुवाद, ये हमने पहले लक्षण बता चुका हूँ। पश्चात का मतलब क्या है पूछा, पूर्व में प्रमाणांतर के द्वारा प्रामाणिक हो जा अप्रामाणिक हो ज्ञान का विषय पे ना ज्ञात होनी चाहिए, प्रमाण ज्ञान का विषय है अप्रमाण ज्ञान का विषय पे ना हो, पूर्व में ज्ञात हो पश्चात उसका बात कर रहे हैं, उसी का नाम अनुवाद हम कहते हैं। ये पूर्व में हमने लक्षण बता दिया, इसलिए विषम सत्यम ये वाक्य वैसा ही अनुवादक सिद्ध हो जाता है। ननु तर्री हो गए तत्वमसी, सारा वाक्य भी तुम्हारा अनुवादक हो, सारा वेदांत वाक्य अनुवादक बना दूंगा। तो ननु तर्री तत्वमसी तत्सत्यम, तत्सत्यम है ना वहाँ पहले ऐत जातम सर्वम तत्सत्यम स्व आत्मा तत्वमसी हो तत्सत्यम भी हम कहेंगे अनुवादक है, ये तद आ गया ना वहाँ, तद आ गया अनुवाद का चिन्ह है, यद नहीं तो तद है, कोई ना कोई तो है, उसे लिए ढूंढ ले कहाँ से, यद विश्व सत्यम तदेव सत्यम कह दूंगा, यद ध्यान कर लेंगे, ये तद और नित्य संबंध हम यद को जोड़ देंगे विश्व सत्यम में, यद विश्वम सत्यम तदेव सत्यम, अब क्या करोगे, उसका ही अनुवाद करे बोलूँगा। तत्सत्यम इसी पर इत्याद्यपि न सत्तन्ना सदुच्यते इति असद्वैत मगरासीत, इसे निषेधाय, ये निषेध वाक्य है, ये निषेध वाक्यों के समर्पक वो वाक्य, आपने सत्य कहा और गीता कह रही है न सत्य, इसके निषेध के समर्पक कौन हो गया, तत्सत्यम वाक्य, तो अनुवाद हो जाए फिर तत्सत्यम वाक्य, न सत जो वाक्य कह रहा है या असदेव मगरासीत जो वाक्य कह रहा है उसके लिए निषेध कौन होगा, सत्य, उसका समर्पक वाक्य कहाँ से लाऊंगा मैं, तत्सत्यम सत्यवानंद ब्रह्म उन वाक्यों से लाऊंगा, वो निषेध के समर्पक वाक्य हो जाएंगे, ये पूर्व पक्ष का कहना है। इति च निषेधाय संघट संघट सदघट ज्ञानम सत् सुखस्फुरणम इत्यादि सिद्ध ब्रह्म सत्व अनुवादी स्यात् इत्यादि के द्वारा सिद्ध ब्रह्म सत्व का ही अनुवादी हो जाएगा ये सारे के सारे, क्योंकि आपके जो है ब्रह्म सत्व अनुवादी किस बात को कौन कहा है, मंडन मिश्र ने, सर्व प्रत्यय वेद्ये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते प्रपंचस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते दिया है, ऊपर ऊपर न्यायामृत में दोनों श्लोक दिया, मंडन मिश्र का भी सुरेश्वराचार्य जी का भी वार्तिक भी दिया। सर्व प्रत्यय वेद्य जितने भी सकल प्रत्ययों के द्वारा वेद्य है वो क्या है, वहाँ ब्रह्मरूपे, ये घटासन पड़ासन मड़ासन इत्यादि जो बोल रहे हैं वो वेद्य क्या है, वहाँ पर सत 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 शब्द के द्वारा ब्रह्म ही है। इस प्रकार से व्यवस्थित है प्रपंच से प्रविलय शब्देन प्रतिपादित, इसलिए प्रपंच का प्रविलय को ही इन श्रुतियों के द्वारा उस सत में प्रलय हो जाता है ये बात का प्रतिपादन किया गया है। और वही मंडन मिश्र जो सुरेश्वराचार्य हो गए तब उन्होंने वार्तिक में लिखा परागर्त प्रमेयेशु या फलत्वेन सम्मता संबित सवे मियोर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः, यह भी कह दिया उन्होंने कि परागर्त प्रमेयेशो बहिर्भूता पदार्थों का जब प्रमेय रूपेण ग्रह विषय बना लेते हैं उसमें यह फलत्वेन सम्मता, फलत्वेन ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूपेण जो सम्मत है वह संवित, या फलत्वेन सम्मता संवित सैव मेय अर्थ वही संपूर्ण वेदांतों के द्वारा मेय रूप ब्रह्म रूप पदार्थ है यही वेदांतोक्त प्रमाण से सिद्ध होता है। तो घटसन बढ़सन इसलिए आप बोले सत्ता सामान ये वो बकवास, वो तो ब्रह्म के बता रहे हैं आपके शास्त्र के अनुसार, और वो हमारे निषेध के समर्पक बन गया वाक्य, इसीलिए
उसे ब्रह्म सत्व का ही अनुवादक माने जाएंगे सब वाक्यों को। चिन्ह मैंने प्रत्यक्ष गृहित ब्रह्म सत्व का अनुवाद कर दे तुम्हारा तत्सत्यम ने। आपने पहले क्या लिया था, घटा सत्य सत्ता सामान्य, और सत्ता सामान्य जो प्रत्यक्ष गृहित हुआ था उसको विश्वम सत्यम में अनुवाद किया गया, वह भी नेहनामस्ति किंचन का निषेध का समर्पण करने के लिए। तथा यहाँ पर भी हम कह रहे ये जो घट स्मरण सत घट ज्ञान इत्यासन घट इत्यादि के द्वारा आप ही के सिद्धांत के अनुसार ये सत्य साधारण सत्ता की बात नहीं हो रही है, व्यावहारिक सत्ता वगैरह की बात नहीं है, शुद्ध ब्रह्म ही है आप ही के अनुसार। अच्छा सत्शब्द घटसन इत्यादि में जो सत्शब्द है वो ब्रह्म बोधक है, और उसी का अनुवाद किया आपने तत्सत्यम में। किसने अनुवाद किया, न सत्यूपी निषेध वाक्यों का निषेध समर्पक अनुवाद हो गया, तो समान हुआ कि नहीं, इसे सार तथा सत्यम वाले जो वाक्य हैं आपके अनुवाद हो जाएंगे। तत्सत्यम छांद को परिषद का 6-8-7 और न सत अन्ना सदुच्चते गीता 13-13 और असत वेद मगर आसित ये जो तैतृक परिषद 2-7 है, इन सब निषेध वाक्यों के लिए समर्पक हो जाता है तत्सत्यम। भाई तभी मानेंगे निषेध समर्पक थे, उसका अनुवाद कहाँ से आया, उसको तत्सत्यम को अनुवाद वाक्य मानना पड़ेगा ना, उसे किस प्रमाण से प्राप्त था, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त है कि जो घटसन है सत घट ज्ञानम है सत सुख स्फुरणम है, ये सब क्या बहुत बोल रहे हैं आप ही के मंडन मिश्र और सुरेश प्राचर का ब्रह्म सिद्धि और आपके वार्तिक के आधार पर सिद्ध हो रहा है बात कि वो ब्रह्म ही है, और उसी का आपने तत्सत्यम अनुवाद किया है, निषेध का समर्पण हो जाएगा। यदि चेन्ना ऐसे मत कहो भाई, हमने पूर्व में वर्णन किया है घटसन में जो सत्य है वह साक्षात ब्रह्म नहीं है, कि घटत सामान्य अधिकरण प्रयुक्त हुआ और तत्सत्यम से आत्मा या सत्यम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म सामान्य अधिकरण अन्वय हुआ है, इससे ब्रह्म सामान्य अधिकरण जो कथित सत्य है वह घट सामान्य अधिकरण से सत्य एक नहीं होगा, भिन्न विषय हो गया, भिन्न विषय होने से ये प्रत्यक्ष का विषय का अनुवाद नहीं है, समान विषय होना चाहिए अनुवाद में, पूर्व विषय जो अन्य प्रमाणांतर का विषय है वही विषय को पश्चातवाद करेंगे तब अनुवाद होता है, यह भिन्न विषयत्व अनुवाद नहीं है, ये तत्सत्यम वाक्य हो या सत्यमानंदम ब्रह्म वाक्य हो ये सब अनुवाद नहीं होंगे, और अतएव निषिद्ध समर्पक भी नहीं होंगे। यदि ब्रह्मत्व सामानादि आदिकरण्येन सत्वस्य प्रत्यक्षादि भी अप्राप्ते है, यह बात पूर्व में पृष्ठ संख्या 244 में कह चुके हैं। शून्यवाद प्रसंगेन तस निषेध अयोगाच्छ, और दूसरी बात ये सत्व का भी निषेध कर दोगे, तन्ना सद असद वाय मग्रास इत्यादि वाक्यों के द्वारा और ब्रह्म रूपी सत्य का भी निषेध कर दोगे फिर तो शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, ये भी आपत्ति है, इसलिए वो ब्रह्म सत्यत्व का निषेध करना उचित नहीं होता। तब पूर्व पक्षी कहता है फिर भी आपके अनुवाद के लिंक तो बहुत सारे हैं, ये इदम सर्वम यदयम आत्मा इति अनुवाद लिंग संभव न कल्पनाच्छ एवं आनंद श्रुतिरपि, इसलिए आनंद श्रुति भी विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वे भी आपका अदुखम असुखम समम इस निषेध वाक्य का समर्पक है। असुखम बोला है ना, असुखम का निषेध कौन है, सुख उसको बता रहा है आपका विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ये सब वाक्य बता रहे हैं। अच्छा ये भी सब वाक्य क्या होगा, विज्ञानम आनंद ब्रह्म महावाक्य भी आपका निषेध समर्पक हो गया, और वो किसके अनुवाद कर रहा है, लेकिन निषेध समर्पक करना है तो सुषुप्ति आनंद का अनुवाद कर रहा है, सुषुप्ति आनंद का अनुवाद किया विज्ञान आनंद ब्रह्म, और इसलिए अनुवाद करना पड़ा निषेध वाक्य जो हैं उनके निषेध वाक्यों का निषेध समर्पण हेतु के लिए समर्पण हेतु ये कहता पूर्व पक्ष। ये मानस श्रुतिरपि अदुखम असुखम समम इति निषेधाय न प्रत्यक्ष प्राप्त आनंदवादित्वम निषेधाय अस्तु, और प्रत्यक्ष के ही प्राप्त आनंद का अनुवादक होवे, ऐसा जब पूर्व पक्ष कहता है न प्रत्यक्ष प्राप्त अनुवाद आनंद अनुवादित्वम निषेध कर दे सिद्धांत ने, क्यों प्रत्यक्ष प्राप्त क्या है सुषुप्ति का आनंद लेगा, ये इदम सर्वम बृहदारण्यक उपनिषद 3:1-3 यदम आत्मा वो भी बृहदारण्यक 1:4-7 का इत्यादि वाक्य में अनुवाद के यत् तत्पाद लिंग है अतः उसको मानना चाहिए। किसी पर विज्ञान दान ब्रह्म ये भी बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-34 का है, और असुगम अदुखम समम अद्वय परमात्मा इत्यादि नृसिम उत्तर तापन उपनिषद का है 9:7।
इत्यादि श्रुतियों में निषेध करने के लिए ही सौश्रुतिक प्रत्यक्ष सिद्ध आनंद को अनुवाद कर लिया गया है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांत का नहीं नहीं भाई, प्रत्यक्ष प्राप्त आनंद का न अनुवादित्व। देखियो सुख साहचर्यण सुखस्यापि वैशिक सेव ग्रहणेन, उस मंत्र में अदुखम असुखम समम में अदुखम बोला ना, अदुख किसको ले रहे हैं आप? पारमार्थिक दुख होता है क्या? तो वैश्विक सुख दुख मानना पड़ेगा। तत् साहचर्यात वैश्विक सुख को ही लेना पड़ेगा, ब्रह्म सुख का अनुवाद वहाँ नहीं कर, अनुभूति नहीं है, अतः ब्रह्म सुख का अनुवाद भी नहीं है। दुख साहचर्य सुखस्यापि वैश्विक सेव ग्रहण है ना, तन निषेधाय ब्रह्म रूप सुख अनुवाद अयोगात, उसको निषेध करने के लिए ब्रह्म सुख कथन करने वाले जो विज्ञान मान ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को अनुवादक नहीं मान सकते। ये तच्च सर्व उत्तम विवरण, इन सारी बातों को स्वयं विवरणाचार्य जी ने कहा है। यह सब कुछ विवरण में कह दिया। निष्प्रपंच स्थूलादि वाक्यानुसारेण वो कहते, देखो निष्प्रपंच स्थूलादि वाक्यानुसारेण इदं सर्वम इदं महात्मा, जिसको तुम ले रहे हो ना उन्हीं वाक्यों को उन्होंने लिया है। और इत्यादि निषेध समर्पकत्वेन एक वाक्याताम प्रतिपद्यन्ते, इत्यादि निषेध समर्पक रूपेण एक वाक्य तो प्राप्त हो जाते हैं। सुषुप्त निष्प्रपंचताया पुरुषार्थ दर्शनादिति, कि सुषुप्ति में निष्प्रपंचता आदि को पुरुषार्थ रूपेण भी दिखाया गया है, वही ब्रह्मानंदी है, ऐसे भी दिखाया गया सुषुप्ति का आनंद को ब्रह्मानंद मानते इति। इसका अर्थ क्या हुआ? इत्यस प्रपंच वाक्य निषेध के समर्पक होकर, इदम सर्वेदम आत्मा इतने जो सप्रपंच वाक्य है वह निषेध के समर्पक होकर निष्प्रपंच वाक्यों के साथ एक वाक्यता आप को प्राप्त कर जाता है। इस तरह उनमें पुरुषार्थ साधनता आ जाती है, क्योंकि सुषुप्तिगत निष्प्रपंचता में पुरुषार्थ तो देखा गया है। इसलिए तो आप पूरी प्रयास करते हैं नींद अच्छी तरह से आवे, इतनी पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं नींद प्राप्त करने के लिए? पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बढ़िया गद्दा चाहिए, मच्छर ना हो सके, मच्छरदानी, सारी व्यवस्था करते, ऑल आउट लगा देंगे, मच्छर को भगाओ, ठंडी हो खिड़की उड़की बंद करेंगे, रजाई की व्यवस्था, यदि औपाधिक कहते उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं आप? मालूम है आपको औपाधिक है अनित्य है, उसके लिए प्रयास क्यों करने में लग गए? उसके लिए पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? यदि अवस्था है तो फिर छोड़ो ना उसको, पुरुषार्थ क्यों कर रहे? बात एक ही है, जवाब पुरुषार्थ क्यों कर रहे मुझे जवाब दो, उसके लिए इतना अथक प्रयास क्यों कर रहे? असुखम कहने से सुख का निषेध हुआ, उसका निषेध का समर्पण विज्ञान ब्रह्म ले लो, ये उसने कहा था। कहते नहीं, ये सुख को विज्ञान ब्रह्म को पता ही नहीं रहा, अतएव निषेध या ब्रह्म सुख है ही नहीं। ये ब्रह्म सुख निषेध होता तो विज्ञान को हम उसके लिए समर्पक मान लेंगे। यह निषेध क्या है? वैश्विक सुख है। जहाँ वैश्विक आनंद का कहीं निषेध कर रहा हो तो बताओ वैश्विक सुख का निषेध कर रहे हैं तो केवल, या दुख के साहचर्य हो गए ना, केवल नहीं है ना यहाँ पे अधुकम साहचर्य के कारण से मैं कर, ये तो वैश्विक उस दुख की तो बात कर रहा है जो क्षणिक है, जो विषय आनंद जो हम जो बोल रहे हो अलग चीज़ है, वो ये चीज़ नहीं है। अधिष्ठानत्व दुख में भी व्याप्त है वो अलग चीज़ है, उस अधिष्ठान को कोई ग्रहण नहीं करता है। वहाँ जो विषयानंद बोल रहे हैं और हम लोग पूरे जगत ब्रह्म ही है जो कह दे रहे हैं, उसका तात्पर्य होता है अधिष्ठान को लेकर के, है ना। अधिष्ठान पर किसी की दृष्टि जाती नहीं, कोई ग्रहण ही नहीं करता, तब कहते दुख फिर त्याज्य हो गया, हे ही हो गया, दुखम हेयम योग सूत्रकार कहते हैं, इसीलिए सर्वम दुखम हेयम। इसलिए क्योंकि आप उसको उस वह दुख या वह सुख जिसमें भाषित हो रहा है या जिससे भाषित हो रहा है प्रकाश, जिस प्रकाश से, उस प्रकाश पर किसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। और जो पंचदश शिकार करे उसको और जाओ, उस अधिष्ठान के लिए आपने अनुभव कर लिया, इन विशेष सुख से भी आप ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। उनका कर ये वो नहीं, ये नहीं कर विशेष सुख ही ब्रह्मा, विशेष सुख ही आनंद है, ये नहीं कर रहे। विशेष सुख के द्वारा उस ब्रह्मांड की प्राप्ति हो सकती है, इसे विशेष आनंद कह दिया उन्होंने। कि विशेष सुख का भी कहाँ से सुख आए, वो भी तस्व मात्रा उपजीवंती, उसी की एक मात्रा लव मात्र, लवलेश मात्र ही है, समुद्र के एक बूंद के जैसे। और उस बूंद के अगर समुद्र तक पहुंचो ना, तो उसी बूंदी में रह गया, फिर समुद्र कहाँ पकड़ में आई, यही हो रहा है। इसे उन प्रकरणों को समझना पड़ेगा, वो अधिष्ठान को लेकर कह रहे हैं, और यहाँ जो निषेध हो रहा है अधिष्ठान को लेकर नहीं हो रहा है।
जो परिच्छिन सुख को उसने ग्रहण किया है वो ब्रह्मानंद नहीं है, उसको अधुकम के कारण से मालूम हो रहा है ये परिच्छिन सुख की निषेध हो रही है। अतएव जो अपरिच्छिन सुख है वो यहाँ निषेध नहीं बन सकता। इसका निषेध यहाँ क्या है? परिच्छिन सुख, और परिच्छिन सुख नहीं है वो विज्ञानमानंदम ब्रह्म, वो तो अपरिच्छिन सुख ही बोल रहा है। इसे वो वाक्य इस वाक्य का निषेध समर्पक नहीं हो सकता, ये बात वहाँ कही गई थी। अब ये बात इन्होंने कहा दुख साचरण सब करने के बाद में तच्च ये तच्च सर्वोक्तम विवरणे ब्रह्म रूप सुख अनुवाद अयोगा, कि ब्रह्म सुख अनुवाद नहीं है। इस बात को कह रहे हैं विवरणकार भी, विवरणकार वाक्य को उस तरह से ग्रहण करने की सुषुप्त ब्रह्म सुख है ये उस तात्पर्य नहीं होगा। वहाँ उसी हिसाब से इकट्ठा हो जो पूर्ववाक्य के लिए समर्थन में कहा यह वाक्य को वैशेक सेव ग्रहण है ना तन निषेधाय ब्रह्मसुख अनुवाद अयोगात, इस पर दिया ये तच्च सर्वोक्तम विवरण है। इसे हिंदी वाले देखो उसको कैसे घटा रहे कि अर्थात सप्रपंच वाक्य निष्प्रपंच वाक्य में अपेक्षित निषेध का उपस्थापक होने के कारण सप्रपंच वाक्य जितने भी है आत्मा इत्यादि वह निष्प्रपंच वाक्य में अपेक्षित निषेध का उपस्थापक होने के कारण एक वाक्य तापन हो जाता है। माने यदम महात्मा इत्यादि का और आपके जो यदम सर्वम ये सप्रपंच वाक्य है उनका निष्प्रपंच वाक्य में जाएगा, और उपम अगंधम तक जो बोल रहे हैं निष्प्रपंच वाक्य उस सत्य वाक्यों का वाक्य एक वाक्यता हो जाएगा। और ये किसका अनुवाद कर रहे हैं? ये सर्वानुभव सिद्ध जगत का, ये इदम सर्वम यदम महात्मा ये सर्वानुभव सिद्ध है, इसका ही अनुवाद किए। इसलिए अनुवाद कर रहे हैं क्योंकि निष्प्रपंच वाक्यों के लिए निषेधिपता प्रपंच का समर्पक होकर के एक वाक्य तक कर दिया गया। अतः इदम सर्व इदम आत्मा इत्यादि सप्रपंच वाक्य निषेध के समर्पक होकर निष्प्रपंच वाक्यों के साथ एक वाक्यता प्राप्त होता है। इस प्रकार उनमें पुरुषार्थता आती है, ऐसे वो भी पुरुषार्थ का साधन हो गए। जितने ये अनुवाद वाक्य है ये भी पुरुषार्थ का साक्षात नहीं परंपरा निषेध समर्पकत्व ना जो है वो भी उपयोगी हो गए हमारे लिए। ठीक उसी प्रकार क्योंकि सुषुप्तिगत निष्प्रपंचता ओके सुषुप्ति निष्प्रपंचता है तो वह भी पुरुषार्थ साधन इसलिए बन गया हमारे लिए। नहीं तो सुषुप्ति के लोग प्रयास ही ना करें क्या हम भी वह निष्प्रपंचता की ओर जा रहे हैं सुषुप्ति में, इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं हम लोग। और उसका इस निष्प्रपंचता में समस्या क्या है, अंतर क्या है? ब्रह्मानुभूति जो निष्प्रपंचता सुषुप्ति जो निष्प्रपंचता में अंतर क्या है? इतने ये सोपाधिक निष्प्रपंचता और निरुपाधिक निष्प्रपंचता है, ये आगे कहेंगे इस बात को उठाएगा वही बात आगे उठा रहा है। अतः निष्प्रपंचता न पुरुषार्थता, अच्छा आप सुषुप्त को पुरुषार्थ कैसे कह रहे हो? निष्प्रपंचता कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकती क्योंकि अभाव आपके मत में पुरुषार्थ नहीं है। किसके मत में अभाव पुरुषार्थ नहीं? निष्प्रपंच का मतलब क्या? प्रपंचाभाव स्थिति, प्रपंचाभाव के लिए कोई प्रयास करेगा क्या? ये तो पुरुषार्थ उचित नहीं है। मूर्छायाम तत्व दर्शनात्, और कोई भी यदि प्रपंचाभाव मूर्छा में भी है, प्रपंचाभाव क्या है? मूर्छा में भी है ना, ये उसके लिए मूर्छित होने के लिए कोई प्रयास करता है पुरुषार्थ करता है? मैं मूर्छित हो जाऊँ ताकि निष्प्रपंच हो सकूँ और उस अवसर मुझे आनंद अनुभव हो जाएगा, चार दो कुछ जो वह निष्प्रपंच है या नहीं उस समय क्या लेना देना, दुख कहाँ है? ये तो नहीं कहा मूर्छित होने वाला जगने पर कहता है क्या दुख विशिष्टो आसन, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। मूर्छित उठ के कहा क्या, मैं जब वहाँ दुखी दुख था, ये सुषुप्ति वाला उठ के बोलता है हम सुगम अस्वाप सबने किंचित दबे दिशम, मूर्छित व्यक्ति उठ के क्या बोलता है मुझे सुना वो बात? यही तो है न किंचित गृहतम मया, न किंचित गृहतम मया, ये तो बोलेगा मैं उस समय कुछ भी ग्रहण नहीं किया, मैंने किया निष्प्रपंचता का अनुभव, लेकिन दुख का अनुभव है वो कहाँ है? ऐसे मूर्छित हो गया लेकिन वहाँ के दुख का अनुभव होता नहीं। इसे पूर्व पक्षी को पकड़ा मूर्छा तत्व मने पुरुषार्थ तत्व नहीं देखने को मिलता है यद्यपि वहाँ भी निष्प्रपंचता है, न च तदा तद अज्ञान मात्र भाव ही थी, ये भी नहीं कहना उस समय केवल अज्ञान मात्र था और वहाँ पर इसका अभाव नहीं था ये मत कहो, और निष्प्रपंचता भी थी। इसे कहते हैं न तो अज्ञान मात्रम किंतु प्रपंच अभाव है व्यवस्थित तत्र, न तो अज्ञान मात्रम, ये सुषुप्ति में आप बोल रहे हैं ना, मूर्छा में कहा जगने के बाद बोला, सुषुप्ति में भी जो बोल रहा है किस लिए बोल रहा है बात अलग है, और पूर्व पक्ष अपने हिसाब से कटाएगा उस बात को भी। इति नवाच्यम समम सुषुप्तोपि
वही करे नच वाच्य तदा तद अज्ञान मात्र न तो तदभावी नच वाच्य, ऐसा मत बोलो। एक देश ने कहा उस समय केवल अज्ञान मात्र था, प्रपंच भाव नहीं था, ऐसा मत कहो। वह प्रपंच का भाव भी था मूर्छा काल में, समम सुषुप्त वपी, फिर सुषुप्ति बराबर है, सुषुप्ति भी यही है अज्ञान मात्र है, प्रपंच का भाव मत है, ऐसा मत बोलो। बराबर है ना, इसे घटा है आप यहाँ जो बोल गए मूर्छा में वो सब कुछ वहाँ भी घट रहा है। सुषुप्ति अंतर इतना ही है, जगने के बाद यहाँ सुषुप्ति में जगता है वो कहता अहम सुखम अस्वापसम कहता है, मूर्छा से जो जगता है अहम सुखम अस्वापसम नहीं कहता, ये सिद्धांत पकड़ता है, इसमें अंतर करते हैं। देखिए सिद्धांत ये न मूर्छा एवं स्वरूप सुख स्पूर्ण अभाव, मूर्छा में क्या है स्वरूप सुख का एन के प्रकार विवाह स्पूर्ण नहीं है, ये अंतर कर दिया। इसे मूर्छा में पुरुषार्थ नहीं है, सुषुप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो रोज आदमी खोपड़े पर हथौड़ा मारे मूर्छित हो जाए, ये वहाँ भी आनंद मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होता।